हेलो फ्रेंड्स, आज आपका कुकिंग चॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं मूंगफली और गुड़ के लड्डू। मूंगफली के सिंपल से लड्डू सर्दियों के टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का भी टाइम शुरू हो चुका है और मार्केट में आपको मूंगफली के लड्डू और चिक्की बस यही सब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्यों ना सिंपल से लड्डू को घर पर ही बनाकर खाएं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही कमाल के लड्डू बनाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, हम मूंगफली के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कटोरी मूंगफली ले लिए हैं और साथ में मैंने गुड़ ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मूंगफली को तवे या कढ़ाई में भून लेंगे। तो देखिए, मैं चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मूंगफली को हम बिना तेल के ही भूनेंगे। तो देखिए, हम अब इसमें डाल दे रहे हैं मूंगफली और गैस को मीडियम रखते हुए हम इन्हें भूनेंगे ताकि हमारी मूंगफली अच्छे से पक जाए और अंदर में जले नहीं। तो देखिए, हम मूंगफली को लगातार दो दो मिनट पे चलाते रहेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही फ्रेंड्स हम भूनेंगे ताकि हमारे मूंगफली अच्छे से पक जाए। इसे 5 या 6 मिनट तक हम भून लेंगे। तो देखिए, मूंगफली को भूनते हुए 5 या 6 मिनट हो चुका है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल करके और इसके छिलके को हटा लेंगे। तो देखिए, हम मूंगफली के छिलकों को हटा करके एकदम साफ कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा भी छिलका नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारे कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो देखिए फ्रेंड्स, और गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे। तो देखिए, हमारे घी अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। ये घी के साथ अच्छे से चटपटे बन करके रेडी हो जाएगा। इसमें पानी हमको बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं डालना है। तो देखिए, घी के साथ हमारे गुड़ अच्छे तरह से पिघल गया है और थोड़ा सा भी बाकी भी है। इसे 2-4 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और याद रखिए फ्रेंड्स, गैस को एकदम मीडियम में ही रखना है। तो देखिए, गुड़ अच्छे तरह से मिक्स हो गया है। पानी में डाल करके हम गुड़ को चेक कर लेंगे कि गुड़ अच्छा से पका है या नहीं। तो देखिए, हम इसमें डाल करके चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरह से जम गया है और ये देखिए एकदम चटपटा सा बन गया है। अब हम गुड़ में मूंगफली को डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर दे रहे हैं और गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे 2-4 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, 2-4 मिनट हो चुका है। अब हम छोने योग्य हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम हाथ में पानी लगा करके इसके लड्डू की शेप बना करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हाथ में बिल्कुल तेल या घी नहीं लगाना है, नहीं तो हाथ जलने का भी डर रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पानी ले लिए हैं और इसमें हाथ में लगा ले रहे हैं और इसके छोटे छोटे हम लड्डू बना करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने लाजवाब हमारे लड्डू बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने पूरे को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बन करके एकदम लाजवाब रेडी हो गया है। तो देखिए, कितने गोल गोल शेप बन करके इसका रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे ज़रूर बनाने की ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चे के मन पसंद के होते हैं मूंगफली के लड्डू। ये सर्दियों के दिनों में खाना बहुत ही मन पसंद का होता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरे मूंगफली के लड्डू कैसे लगा? अगर मेरे मूंगफली की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।